आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि फेस के जो मसल्स हैं उन्हें बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी फेस की जो मूवमेंट है, उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं, हैप्पीनेस और जो भी है सैडनेस वगैरह, उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसे इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन मसल कहते हैं। इसे फेशियल नर्व सप्लाई होती है, जितने भी मसल हैं फेस के, इसके जो तीन पार्ट हैं, एक ऑर्बिटल पार्ट है, एक ओक्यूलर, एक ओरल पार्ट है, और इसके अलावा एक जो है वो नेजल पार्ट है। ऑर्बिटल मतलब ओरल वाली साइड पे, ओक्यूलाई मतलब आंखों वाली साइड पे, और जो नेजल है वो नोज़ वाली साइड पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरल पार्ट। मैं कुछ मसल्स को कंपैरिजन करूँगा ओक्यूलाई मसल के साथ, ताकि आपका ना अब पहला मसल आता है जाइगोट मेटिकस मेजर, मेटिकस मेजर, ठीक है। दूसरा आता है जाइगो मेटिकस माइनर, ठीक है। तो अब ये जो जाइगो मेटिको मेजर है, इसका निमोनिक्स बड़ा मज़े का है। जाइगो जाइगोट को देख के मेजर स्माइल कर रहा है, ठीक है। जाइगोट जाइगो मेजर स्माइलिंग, ठीक है। ये मसल जो है ये लिप पे इस साइड पे अटैच होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जब स्ट्रेच करेगा तो ये लिप ऐसे हो जाएंगी और स्माइल पास करवाएगा, ठीक है। स्माइलिंग के लिए यूज़ होता है ये मसल। इसके अलावा जो जाइगोमेटिकस माइनर है ना, ये जो मसल है ये अपर लिप पे अटैच होता है इस तरह करके, ये माइनर अटैच हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपर लिप को राइज करेगा। अब इसका निमोनिक्स क्या है कि जो मेजर है वो माइनर को काम देता है कि तुम एक काम करो, तुम अपना अपर लिप राइज करो। मेजर जो होता है फौज का कमांडर जो होता है फॉर एग्जांपल, वो अपने माइनर जो होते हैं सोल्जर वगैरह, उन्हें कहता है कि अपना अपर लिप राइज करो ऐसे ही, और वो खुद भी स्माइल कर रहा होता है और लिटिल बिट स्माइलिंग वो ये भी करते हैं जाइगोमेटिकस माइनर, तो थोड़ी सी स्माइलिंग ये भी करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आगे, अच्छा ये दो तरह के होते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस और ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ठीक है। अब ओरिस जो है वो ओरल से याद रखना है आपने, ठीक है, और जो ओक्यूलाई है वो आपको पता लग जाएगा कि आईज की बात कर रहा है। ऑर्बिकुलरिस का मतलब आपने याद रखना है कि क्लोजिंग द क्लोज बस, ठीक है। तो अब इसका क्या फंक्शन होगा, और इसका ओरल वाली साइड पे है तो ये अब हमारा लिप बन गया अपर लोअर लिप, इसके साइडों पे जो मसल होगा ये वाला, ये मसल है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ठीक है, ओरल। और ये क्या करता है, क्लोजिस द ऑर्बिकुलरिस क्लोज्ड ओरिस ओरल, ओरल को क्लोज करता है, मतलब लिप्स को क्लोज करता है, लिप क्लोज्ड, ठीक है। अब ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस क्लोज्ड ओक्यूलाई आईज, तो ये आई लिड्स को क्लोज करता है। ये देखें जैसे कि जाइगोमेटिकस मेजर है और माइनर है, मेजर कौन सा है, ये वाला जो यहाँ से स्ट्रेच करवा रहा है इस साइड पे, माइनर जो है ये वाला मसल है, ठीक है। तो ये ऊपर को लेके जा रहा है, ठीक है, डन हो गया। ये जाइगोमेटिक बोन जो है वहीं से निकलते हैं, ठीक है, और इंसर्शन इसकी आपको पता लगी कि लिप पे होती है जाके, स्किन एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ पे, ठीक है। ये हो गया, और अब हम करेंगे नेक्स्ट बक्सिनेटर। बक्सिनेटर आपने बॉक्स ही याद रखना है, बॉक्स में क्या है, बबल्स हैं, ठीक है। बबल्स का फंक्शन क्या होता है, च्यूइंग, तो ये बक्सिनेटर च्यूइंग करवाएगा। नर्व इसके एक ही सप्लाई होती है, फेशियल नर्व सबको, ठीक है, डन हो गया। एक ये हो गया मसल, ठीक है। अब नेक्स्ट मेंटेलिस एक मसल है, ठीक है, और दूसरा मसल है राइजोरियस। मेंटल पीपल lower their lip and chin raised, ये इसका निमोनिक्स है।
मेंटल पीपल लोअर देयर लिप एंड चिन राइज, तो इसका यही आ जाएगा सारा फंक्शन, ठीक है। राइजोरियस, द सन राइजिस बाय स्ट्रेचिंग द लिप्स ऑफ स्काई, मतलब ये स्ट्रेच करता है, ऐसे स्ट्रेच करता है। इसका भी काम यही होता है कि ये जाइगोमेटिकस मेजर की तरह स्माइल पास करवाते हैं। सन राइज बाय स्ट्रेचिंग द लिप्स, जब आप स्ट्रेच द लिप्स करोगे तो आप स्माइल भी पास करोगे ना, तो आपको इसी तरह याद ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है लिबेटर लेबाई लिबेटर सुपीरियोरिस नेजी मसल। अब इसी का जो पार्ट है वो यही है लिबेटर लेबाई सुपीरियोरिस। दोनों का क्या काम होता है, मतलब एक लैब है किसी जगह पे, लेवल की लैब है अखीर किस्म की, ठीक है। उनका क्या काम है कि वो मतलब प्रोफेशनल वे में अपर लिप को राइज करने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिबेटर लेबाई, लिबेटर से आ गया लेवल, लेबाई से आ गया लैब, और लेवल लैब इन अप लिप राइज्ड, ठीक है जी आ गया। ये दोनों भी मसल हो गए हमारे। अब दो मसल और भी हैं ओरल ग्रुप के, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस और डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस, ठीक है। अच्छा, हम जो अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो ये है लिबेटर डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, ठीक है, एंड नेक्स्ट डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस। अब प्रोनाउंसिएशन जैसी भी हो वो, क्योंकि निमोनिस के हिसाब से करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। अच्छा, जो भी है डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, अब जो डिप्रेसर डिप्रेशन में आएगा, डिप्रेशन एंगुलाई एंजेलिना आएगा, ठीक है। डिप्रेसर ड्रॉ कॉर्नर ऑफ माउथ डाउनवर्ड, ठीक हो गया। अब डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस, ठीक है। अब जो डिप्रेसर है ये वैसे का वैसे आ गया, लेबाई मतलब लब का आपको पता होगा ना, उर्दू ज़बान में कहते हैं लब, होंठ को कहते हैं। इन्फीरियोरिस मतलब ये नीचे की तरफ लेके जाएगा। डिप्रेसर लोअर लेबाई से मतलब लब से क्या बनेगा लिप, और इन्फीरियोरिस मतलब डाउनवर्ड। ये हमारे हो गए, ठीक है। और एक इसके साथ